Please subscribe my channel. Welcome student. We are doing chapter 1st, integer of class 7. पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वितरण, बांटना किसी भी चीज़ को। सो लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी थ्री नंबर्स के लिए होती है। सो ये दो होती हैं आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करते हुए इन्हें बांटना है ना। ओवर एडिशन, दोनों ब्रैकेट में दोनों ऐड हो रहे हैं इसलिए ओवर एडिशन। यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ ब्रैकेट में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए ये वर्ड आया, और मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इस नंबर को इन दोनों नंबर्स ब्रैकेट के अंदर जो भी दोनों नंबर दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हुए बांटना है। इसका मतलब इस ए को बी से भी इंटू करना है, ब्रैकेट के अंदर जो बी लिखा हुआ है उससे भी इंटू करना है, और इस ए को ब्रैकेट के अंदर जो सी लिखा है उससे भी इंटू करना है। तो देखिए कैसे हुआ ये, ए इंटू बी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ए इंटू बी हो गया है ना। अब यहाँ देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ए इंटू सी। यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, अपोजिट साइन को जब भी इंटू करते हो है ना, एंड ए इंटू सी। एग्जाम्पल 2 into 3 + 4, 2 को 3 से भी इंटू करना है ना, तो 2 3 = 6, 2 को 4 से भी इंटू करना है एंड 2 4 = 8। देखिए 6 + 8 आउटकम आ गया 14। अब हम अगर मान लीजिए पहले इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल 2 into 4 - 3। यहाँ देखिए 2 into 4 a into b माइनस a into c 2 into 3, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6, 8 - 6 = 2। ठीक है, सो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, ये हमने क्या किया, इस ए को इस ब्रैकेट के बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व किया। अगर हम इसको इस नॉर्मल वे में सॉल्व करते तो भी हमारे पास आंसर 14 आता। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग, 4 + 3 = 7 है ना, देन उसको बाहर वाले 2 से इंटू कर दीजिए तब भी देखिए आपके पास 14 आ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ देखिए 4 - 3 = 1 और इसको ब्रैकेट के बाहर 2 से इंटू कर दीजिए, आपके पास आउटकम कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, बट ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर लें। ठीक है, कुछ बच्चों को बॉर्ड मास नहीं समझ आता और बड़े नंबर्स के लिए कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ईजी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So thank you, like this video, share this video and subscribe my channel Joe.